आज मैं लेकर आई हूँ साबूदाना खीर की रेसिपी। इस तरीके से बनाएंगे तो जो साबूदाना बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं होंगे, जो खीर है बिल्कुल फटेगी नहीं। आप इसे गर्मा गर्म या ठंडा होने के बाद खाएं, ये दोनों तरीके से बहुत ही अच्छी लगती है और ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल रबड़ीदार हो जाती है। तो चलिए नवरात्रि स्पेशल साबूदाना खीर को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 1/4 कप साबूदाना ले लेंगे। मीडियम साइज साबूदाना, जिसे हम साबूदाना खिचड़ी बनाते हैं वही लिया है मैंने। अब इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अच्छे से वॉश करने से क्या होता है, इसमें जो स्टार्च होता है वो निकल जाता है, जिससे जो हम खीर बना रहे हैं उसमें साबूदाना आपस में चिपकेंगे नहीं। बस ऐसे ही इसे हम 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे, जब तक जो पानी वो क्लियर ना हो जाए। अच्छे से वॉश करने के बाद अब साबूदाना को पानी में डिप कर देंगे। ध्यान रखिएगा, पानी इतना ही डालिएगा जो साबूदाना है उससे थोड़ा ही ऊपर पानी रहे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। अब इसे हम 1 घंटे के लिए पानी भिगो कर रख देंगे। 1 घंटे बाद साबूदाना थोड़ा फूल गया है, ये देखिए बिल्कुल खिला खिला फूला है ये। अगर आप इसे भिगोते समय बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो साबूदाना बिल्कुल चिपचिपा सा हो जाएगा, इसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है और ये बहुत अच्छे से फूला नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ 1 घंटे के लिए भिगाया था। बाकी इसे हम दूध के साथ पका लेंगे। अक्सर शिकायत रहती है कि खीर बनाते समय जो दूध है वो फट जाता है, सो दूध को अच्छे से बॉईल कर लें जिससे जो आपकी खीर है कभी नहीं फटेगी। सो मैंने यहाँ पतीले में 1/2 लीटर दूध लिया है। अब इसे बॉईल होने देंगे। दूध में उबाल आने के बाद गैस को बंद कर देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर कढ़ाई को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो साबूदाना है वो कढ़ाई में डालने के बाद बिल्कुल भी ना चिपके। इसे अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। घी मेल्ट हो चुका है, इसमें 1 चम्मच कटा हुआ काजू डाल देंगे। अब इसे कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। आप देख सकते हैं काजू कलर हल्का चेंज हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम ऐड करेंगे और इसे भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। इसके बाद इसमें 1 चम्मच कटा हुआ पिस्ता ऐड करेंगे। आप इस खीर में अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। घी में भुनने की वजह से इन ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट खीर में बहुत ही बढ़िया आता है। लास्ट में 1 चम्मच किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश को कुछ सेकंड पकाइएगा, अगर बहुत ज़्यादा देर पकाएंगे तो किशमिश जल सकती है। सो हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से पक गए, अब इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में 1/2 चम्मच घी डाल देंगे। अभी भी गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। अब इसमें भिगोए हुए साबूदाना डाल देंगे। अगर साबूदाना में थोड़ा बहुत पानी हो तो उसके साथ ही डाल दीजिएगा कढ़ाई में। अब इन्हें लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे। लगातार चलाइएगा वरना जो साबूदाना है वो आपस में चिपक सकते हैं या फिर तले पर जल सकते हैं। साबूदाना को पकाने के बाद अब इसमें जो हमने दूध उबाल कर रखा था उसे ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर देंगे। और अब इसे लगातार चलाते हुए पकाइएगा जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। ऐसा करने से क्या होगा ना, जो साबूदाना है वो तले पर चिपकेंगे भी नहीं और बहुत ही अलग अलग खिले खिले बनेंगे। सो ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है और जो सारे साबूदाना है वो ऊपर सरफेस पे आ गए हैं। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब इन साबूदाने को तब तक पकने देंगे जब तक ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अब इसे धीरे धीरे पकने दीजिए, ये तले पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। बीच बीच में चलाते रहिएगा, दूध को हल्का गाढ़ा होने तक इसे पकने दें। सो ये देखिए हमारा दूध पक के आधा हो चुका है और जो साबूदाना है वो भी ट्रांसपेरेंट हो गया, इसका साइज़ भी डबल हो चुका है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। सो मैं यहाँ 3 टेबलस्पून चीनी ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ऐड करें। और इसके साथ ही में केसर के कुछ धागे ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे जिससे जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। केसर ऐड करने की वजह से ये जो खीर है उसका कलर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा, बिल्कुल रबड़ी जैसी दिखेगी ये। ना हो केसर तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। सो हमारी खीर ऑलमोस्ट पक गई है। अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे उन्हें ऐड कर देंगे। इन्हें कर लेंगे अच्छे से मिक्स और गैस को कर देंगे बंद। जो दूध है वो काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है और आप देखिए साबूदाना बिल्कुल खिले खिले हैं, बिल्कुल भी आपस में चिपके हुए नहीं हैं ये। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें या ठंडा होने के बाद सर्व करें, ये दोनों तरीके से बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। सो मैंने इसे हल्का ठंडा कर दिया है और ये देखिए ठंडा होने के बाद ये कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है और केसर की वजह से इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है, बिल्कुल रबड़ीदार खीर बनी है। व्रत में इसे ज़रूर बनाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी साबूदाना खीर है वो बहुत ही बढ़िया खिली खिली बनेगी। इसे बोल में सर्व करने के बाद ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।